क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर नर्व्स जो है हमारे बैक ऑफ द ब्रेन में प्रेजेंट है। ये नर्व्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल को सेंड करता है नेक, हेड, फेस, बॉडी पार्ट में। सभी 12 नर्व्स दोनों साइड ब्रेन में प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, 1 पेयर ओल्फैक्टरी नर्व जो है लेफ्ट साइड ब्रेन में प्रेजेंट है और 1 नर्व जो है वो राइट साइड ब्रेन में प्रेजेंट है। ओल्फैक्टरी नर्व ये हेल्प करती है फील करने में स्मेल को। इस नर्व में डैमेज होने से इम्बैलेंस हो जाएगा स्मेल और टेस्ट करने में बॉडी फंक्शन में। ऑप्टिक नर्व ये विजन को कंट्रोल करती है, विजुअल इंफॉर्मेशन को आईज से ओसिपिटल लोब में ट्रांसफर करती है। इस नर्व में डैमेज होने से विजन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है बॉडी में अक्कर हो जाती है। ओकुलोमोटर नर्व ये हेल्प करती है मसल्स को मूव करने में आई में। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करती है। विजन रिलेटेड प्रॉब्लम अक्कर हो जाती है इस नर्व के डैमेज होने से। फेशियल नर्व रिस्पॉन्सिबल है फेशियल एक्सप्रेशन को, फेस को मूव करने में। इसके डैमेज होने से पर्सन जो है वो अनेबल हो जाएगा अपने फेशियल एक्सप्रेशन देने में। वेस्टिब्यूलो कोकलर नर्व जिसे ऑडिटरी वेस्टिबुलर नर्व भी कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है हियरिंग और बैलेंस में। ये हेल्प करती है बिना हेड को मूव करे आँखों को ट्रैक करने के लिए मूविंग ऑब्जेक्ट को। लॉन्गेस्ट नर्व, लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है जो ब्रेन से लार्ज इंटेस्टाइन तक एक्सटेंड करती है। वेगस नर्व कैरी करती है सिग्नल्स को ब्रेन, हार्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम तक। ये कंट्रोल करती है इनवॉलेंट्री फंक्शंस को। वेगस नर्व के डैमेज होने से फूड जो है इंटेस्टाइन में मूव नहीं करेगा। एसेसरी नर्व कंट्रोल करती है फूड को निगलने में और मूव करने में हेड और शोल्डर को। हाइपोग्लॉसल नर्व टंग मूवमेंट को बोलने में, फूड को निगलने के फंक्शन को परफॉर्म करती है। ट्राइजिमिनल नर्व लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है, ये मोटर और सेंसरी दोनों फंक्शंस परफॉर्म करती है। ट्राइजिमिनल नर्व का मोटर फंक्शन में ये खाने को चबाने में हेल्प करती है, सेंसेशन को सेंड करती है ईयर में। ट्राइजिमिनल नर्व के सेंसरी फंक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। ओप्थैल्मिक पार्ट जो सेंसेशन को सेंड करता है आईज में, मैक्सिमिलरी पार्ट सेंसेशन सेंड करता है फेस में, नोज, अपर टिथ में, मैंडिबुलर पार्ट सेंसेशन भेजता है फेस, लोअर टिथ में एसेट्रा। ग्लोसोफेरिंजियल नर्व सेंसरी और मोटर दोनों तरह की इंफॉर्मेशन परफॉर्म करती है। सेंसरी फंक्शन में ये रिसीव करती है टेस्ट इंफॉर्मेशन को बैक ऑफ द टंग से थ्रोट से। मोटर डिवीजन में ये टंग को मूव करने में अपना इम्पोर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करती है।